हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैट। ये बचे हुए कपड़े के पीस से आप आसानी से इसे बना सकते हैं। देखने में ये जितना सुंदर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, बनाने में ये बहुत ही ईजी है। इसका साइज़ आप छोटा बड़ा बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको हम बनाना। यहाँ पर मैंने पैंट का बचा हुआ पीस लिया है। पुरानी पैंट ले सकते हैं, जीन्स ले सकते हैं, कोई भी बचे हुए कपड़े आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ से हम 16 इंच लेंगे। ऐसे ही हम एक निशान और लगाएंगे। इस निशान को भी हमने 16 इंच पर लगाना है। 16x16 का स्क्वायर पीस लेंगे हम और इसे यहां से कट करेंगे। ये देखिए 16x16, इसको फोल्ड करेंगे। कॉर्नर से कॉर्नर को अच्छी तरीके से सेट करेंगे। सेंटर से कट कर इसे हम रेडी कर लेंगे। एक फोल्ड हम और करेंगे, कॉर्नर से कॉर्नर को टच करेंगे और इस कॉर्नर से लेते हुए इसे भी हम कट करेंगे। अब इसे हम ओपन करेंगे, सेट करेंगे। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब बचे हुए कपड़े के पीस लेंगे, निशान लगाएंगे। 2 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। छोटा बड़ा साइज आप कर सकते हैं। सीधी लाइन लगा लेंगे और इसे हम कट करेंगे। फोल्ड करेंगे स्ट्रिप को और इसे भी कट करेंगे। ये देखिए, सभी को आपने इसी तरीके से कट कर रेडी करना है। ये देखिए, कट कर इसे हमने रेडी कर लिया है। आप इसे मल्टी कलर और डबल कलर से बना सकते हैं। एक स्ट्रिप रखेंगे, छोटी स्ट्रिप रखेंगे। यहाँ पर हम पिन लगाएंगे। एक स्ट्रिप हम और लेंगे, इससे बड़ी स्ट्रिप लेंगे। साइड में आपने ये देखिए, यहाँ से ये हमारा कपड़ा पूरा आना चाहिए, इस तरीके से नहीं आना चाहिए, इसलिए आपने इसको स्ट्रिप को अच्छी तरीके से सेट करना है। ये देखिए इस तरीके से। इसे अब हम इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर आप पिन लगा सकते हैं या इसे डायरेक्ट भी सिल सकते हैं। अब इसे हम सिलेंगे, पिन को निकाल देंगे। ये देखिए, फिंगर से आप इस तरीके से इसे प्रेस कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रिप लेंगे, इससे बड़ी स्ट्रिप लेंगे। साइड में आपका एक्स्ट्रा कपड़ा बचना चाहिए ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो सके। पिन लगाएंगे। इन सभी को इसी तरीके से हम करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे हमने कंप्लीट कर लिया। एक स्ट्रिप और लेंगे। स्ट्रिप को जॉइंट करते समय आपने स्ट्रिप को एक्स्ट्रा रखना है। साइड से आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए इस तरीके से, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और इस पर सिलाई लगाएंगे। सभी को इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब साइड के ये देखिए, यहाँ पर आप छोटा बड़ा पीस लगा सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर सेट ना हो तो आप इसमें इस तरीके से भी स्ट्रिप लगा सकते हैं। साइड से अब इसे हम कट करेंगे और इसकी फिनिशिंग करेंगे। ये देखिए,
आप स्ट्रिप लगाते समय इस पर प्रेस करते हुए भी लगा सकते हैं इसको। यहाँ से भी इसे हम कट करेंगे। ये देखिए इसे हमने रेडी कर लिया है। इसी तरीके से सभी को रेडी कर लेंगे हम। ये देखिए यहाँ पर इसे भी हमने रेडी कर लिया है। ये देखिए अब इसे हम सेट करेंगे। ऐसे ही अगर आप और बनाएंगे तो आप बड़ा साइज भी इसमें बना सकते हैं। एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से हम रखेंगे, कॉर्नर को अच्छी तरीके से टच करेंगे। यहाँ से हम पिन से इसको सेट कर लेंगे ताकि सिलते हुए में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए ऐसे ही हम इसको सिलेंगे, कॉर्नर से कॉर्नर को अच्छी तरीके से टच करेंगे। इस कॉर्नर पर भी पिन लगा लेंगे। ये देखिए अब हम इसे स्टिच करेंगे। एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसे आपने सिलना है। पिन को निकाल देंगे, कॉर्नर से कॉर्नर को टच करेंगे जरूर। ये देखिए इन दोनों को हमने सिल लिया है। इस वाली सिलाई को आप इस तरीके से खोल देंगे। ऐसे ही दूसरी सिलाई को भी आपने ऐसे ही खोलना है। ये देखिए और यहां पर पिन लगाएंगे। अब इसे हम स्टिच करेंगे, पिन को निकालेंगे, ऐसे ही एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसे भी यहां पर हम कंप्लीट करेंगे। कॉर्नर से कॉर्नर को टच करेंगे। इसे भी हमने सिल लिया है, ये देखिए। और ऐसा ही हमने दूसरे पीस को भी रेडी कर लिया है। ऐसे ही आप एक्स्ट्रा पीस बनाएंगे और आप इससे बड़ा भी साइज बना सकते हैं। इस वाली सिलाई को हम खोलेंगे, ऐसे ही इस वाली सिलाई को भी खोलेंगे, पिन लगाएंगे, दूसरी साइड भी इसी तरीके से करेंगे और सिलाई लगाकर इसे हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए दोनों को हमने स्टिच कर लिया है। पीछे से आपने स्टिच को इस तरीके से खोलना है। प्रेस कर सकते हैं आप इस पर। यहाँ पर ये हमने पुरानी पैंट ली है बेस के लिए। इसे पैंट को खोल लेंगे, पुरानी पैंट को इसके ऊपर रखेंगे और इसे अच्छी तरीके से सेट करेंगे। चारों साइड आपने इसको पिन लगाकर सेट करना है और फिर इसकी कटिंग कर इसे हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए इसे हमने रेडी कर लिया है। साइड में हम बॉर्डर लगाएंगे। ये देखिए फ्रिल वाला बॉर्डर लगाएंगे। यहाँ पर आप 3 इंच 2.5 जो भी आप लेना चाहते हैं वो स्ट्रिप लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप प्लीट डालेंगे और इसे सिलते हुए पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इसे हमने सिल लिया है। और ऊपर फिनिशिंग के लिए यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे, दाब सिलाई जिसे कहते हैं वो सिलाई लगाएंगे, जिससे फ्रिल हमारी अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ये देखिए यहाँ पर आप दुपट्टे का भी यूज़ कर सकते हैं, साड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। बची हुई साड़ी या दुपट्टा आपके पास हो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। प्लीट्स को अच्छी तरीके से सेट करते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। एक पैर की सिलाई लगाते हुए ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही इजी है इसको बनाना और देखने में फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आप इसका साइज बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा साइज भी आप इसमें बना सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए